तो आज के व्याख्यान में आज की ज्योतिष की जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उसके भीतर हम करेंगे चंद्रमा और चंद्रमा के कारक तत्व, ये सिग्निफिकेंट्स ऑफ मून। साथ में करेंगे चतुर्थी तिथि, द फोर्थ लूनर तिथि, एंड उसके साथ साथ करेंगे जन्म पत्रिका के भीतर बनने वाली वर्ग कुंडली D4, जिसको चतुर्थांश भी कहते हैं, तो उससे क्या परिणाम निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा से आरंभ करते हैं। तो चंद्रमा क्या है, आप अपने सभी प्रश्न चैट बॉक्स के माध्यम से हमें डाल सकते हैं। चंद्रमा सबसे पहला शब्द प्रयोग किया उसके अंदर मन, उसके उपरांत किया बुद्धि, चंद्रमा, ठीक है, उसके उपरांत प्रयोग किया फूल, दुर्ग की ओर जाना अर्थात किले में प्रवेश, किले राज भवन में प्रवेश। आलस्य, कफ, मानसिक व्याधि, रोग। मनोभाव, महिला, स्त्री। पाप और पुण्य का ज्ञान, निद्रा, नींद, सुख, जल पदार्थ, चांदी, रस, साथ में प्रयोग किया गन्ना, शुगर केन, शीत ज्वर, ठंड से लगने वाला बुखार, कुआ अर्थात सामाजिक संपर्क, मां, क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कटी सूत्र, जो एक वो बांधा जाता है, वैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तो इसे बेल्ट बोलना चाहिए, कमर पेटी का, लेकिन पुराने समय में इसे तगड़ी भी कहा जाता था आदि, इस तरीके से।
शीघ्र गति। व्यवसाय प्राप्ति। रात्रि बलि। और नवीन वस्त्र स्पेटिक। स्फटिक एक रत्न होता है। जल। ये सभी की सभी घटनाएं, तथ्य, वस्तुएं यदि विचार करना हो तो चंद्रमा से देखना चाहिए, चेहरे की कांति। अर्थात जो चेहरे के ऊपर हैप्पीनेस, प्रसन्नता दिखाई देती है, ये सभी की सभी चंद्रमा से विचार करना चाहिए। मन क्यों का है इसमें? स्फटिक एक प्रकार का रत्न है, मूलतः ये चंद्रमा और शुक्र दोनों से ही देखा जाता है, लेकिन चंद्रमा का परिष्कृत रूप शुक्र है, अर्थात पहले चंद्र है, इससे ऊपर बढ़ के ये फिर शुक्र बन जाता है, और इससे ऊपर बढ़ के इसे नेपच्यून भी बोलते हैं, ऐसा पाश्चात्य ज्योतिष कहता है। स्पष्टता। तो सबसे पहले आया मन, तो व्यक्ति के मनोभाव जितने भी हैं वो सारे के सारे चंद्रमा से ही देखे जाने चाहिए। व्यक्ति के जो भी मनोभाव हैं वो सारे के सारे चंद्रमा से ही देखे जाने चाहिए। बुद्धि। बुद्धि दुर्बुद्धि भी हो सकती है और सबुद्धि भी हो सकती है। हाँ, जो आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, वो सबके सब इसी के भीतर आते हैं। तो मन कितना पवित्र है, कितना कलुषित है, ये सारा का सारा चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो चंद्रमा का जो राशि में विद्यमान होना वो भी बताए। कई बार ज्योतिष शास्त्र में आता है कि लग्न और चंद्र में क्या अंतर है। तो एक व्यक्ति है, जब लोग उसको देखते हैं तो यही लग्न है, और जब वो उनको देखता है तो यही चंद्र राशि है। तो समाज को, वातावरण को, संसार को देखने का दृष्टिकोण, नजरिया ही चंद्र राशि है। व्यक्ति किसके बारे में कैसा सोचता है वो है। तो स्वाभाविक है चंद्रमा के ऊपर जिस प्रकार के कुंडली के अंदर प्रभाव पड़ेंगे
एक उसका राशि में विद्यमान होना, एक चार सात दस दो तीन पांच, तो जिस राशि में वो विद्यमान है पहला प्रभाव उसके ऊपर उसका पड़ेगा। यदि चंद्रमा सिंह राशि में है तो स्वभाव कैसा होगा, दुनिया को देखेगा कैसे, अपने अंदर उसके राजसी स्वभाव होंगे, समाज को संसार को केवल इस दृष्टि से देखेगा ये सब मेरे दास दासियां हैं। कर्क है तो मन में संदेह रहेगा, हमेशा अपने परिवार के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक रहेगा और मन में रहेगा कि ये व्यक्ति मुझे क्या दे रहा है क्या ले रहा है। इसी प्रकार से व्यक्ति का दूसरे लोगों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो चंद्र राशि है और लोग उसे किस प्रकार से देखते हैं वही लग्न है। अर्थात यदि लग्न के भीतर मेष राशि उत्पन्न है तो तिकोना चेहरा होना चाहिए, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, है घुंघराले बाल होने चाहिए। जैसे जैसे मेष के चरित्र के बारे में बताया, इसी कारण से का मन अर्थात समाज को संसार को देखने का दृष्टिकोण ही चंद्र राशि अर्थात उसका मन है। बुद्धि स्वाभाविक है, मन और बुद्धि को भिन्न नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ है कि मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी आज मन में नहीं है, लेकिन मूलतः तो ये सारा का सारा ब्रेन अर्थात दिमाग मस्तिष्क से ही चल रहा है। व्यक्ति यदि प्रसन्न है तो उसका जो भीतर प्रसन्नता का भाव है वो हार्मोन्स के कारण से अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण से आता है। इसी कारण से का बुद्धि तो चंद्रमा पे पड़ने वाला एडवर्स इफेक्ट कभी कभी ऐसा देखा गया है। यदि चंद्रमा के ऊपर यहां चंद्रमा बनवा लेते हैं, शनि को यहां लिख लेते हैं, मंगल को यहाँ लिख लेते हैं, मंगल की चौथी दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि जब ये चंद्रमा पे पड़ रही है, और यहाँ सूर्य को भी लिख लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि या तो ये त्रयोदशी का होगा या चौदस का होगा और बहुत कभी कभी मावस का भी हो सकता है। बिल्कुल मावस के सानिध्य में भी जा रहा होता है। तो ऐसे में व्यक्ति के मन में बड़ी उठापटक बनी रहती है, अवसाद उन्माद डिप्रेशन और एंजाइटी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा तत्व, यदि चंद्रमा सूर्य लग्न में है, चंद्रमा सातवें में है, तो पूर्णमासी का जन्म है तो एंजाइटी इंपल्सिव उन्माद चंचल अति चंचल। तो इसी के कारण से का मन बुद्धि, उसके उपरांत आया फूल पुष्प। व्यक्ति पुष्प से संबंधित कार्यों से लाभ पाएगा हानि पाएगा, पुष्पों को कैसे देखना चाहिए, मेरे घर के भीतर पुष्प अच्छे हैं लाभ देंगे, पुष्पों के व्यापार से मेरे को हानि होगा लाभ होगा, ये सब का सब चंद्रमा से देखने चाहिए। किले में प्रवेश इसका अर्थ क्या है, हमने सूर्य के भीतर सूर्य राज्य कृपा के बारे में संकेत दिया था, लेकिन उस राज्य कृपा तक लेके कौन जाएगा, अर्थात उस किले के भीतर लेके कौन जाएगा। एक पुराना वाक्य है या एक पुराना संकेत है कि यदि उनको नियंत्रण में कर लिया, नियंत्रण नहीं कहना चाहिए, कि यदि आपने राजा को भले ही ना सही लेकिन रानी से अपने संपर्क अच्छे रखे
राजभवन में तो प्रवेश मिल ही जाएगा आपको। तो इसी कारण से कहा किले के भीतर प्रवेश। तो किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क होना, विशेषकर किसी महिला से संपर्क होना आपको राजभवन में प्रवेश दे देता है। और साथ ही साथ चंद्रमा यदि कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का आना जाना, उसका संपर्क बड़े संभ्रांत लोगों के भीतर बना रहेगा। किले में प्रवेश का अर्थ यही है, आलस्य। चंद्रमा यदि कृष्ण पक्ष का हो तो लेजीनेस, आलस्य भरपूर बना रहता है। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चंचलता देता है, इसीलिए आलस्य भी उसी के ऊपर बोला गया है। साथ ही चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि भी व्यक्ति को निराश और आलस्यपूर्ण बना देती है। कफ, शरीर में देह में, तन में जो फैट्स बढ़ते हैं वो दो ग्रहों से होते हैं, एक बृहस्पति से, वसा फैट्स, और दूसरा चंद्रमा से। दोनों में अंतर क्या है? बृहस्पति की वसा अर्थात चर्बी व्यक्ति के भीतर क्या बढ़ाती है, जो फैट्स होते हैं जो उसके शरीर के भीतर वसा होती है वो ठोस होती है, और चंद्रमा वाटर कंटेन है, पानी जल तत्व है, पानी जल तत्व। अर्थात यदि शरीर के भीतर कफ संबंधी समस्याएं हैं, बॉडी पानी ज्यादा ग्रहण कर रही है, तो इसी कारण से जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं चंद्रमा जल तत्व राशियों में है। चंद्रमा नवांश में जल तत्व राशियों में है ऐसा देखने को प्राप्त हुआ है। मानसिक व्याधि, पहले इसके ऊपर काफी विचार कर लिया है कि जैसे ही चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव पड़ेंगे मानसिक व्याधियां लोगों को बनी रहती है। मनोभाव भी इसी का एक खंड है जो मानसिकता से जुड़ा हुआ है। महिला स्त्री किसी भी पत्रिका के भीतर पुरुष ग्रह स्त्री ग्रह, चंद्र शनि शुक्र बुध सूर्य मंगल बृहस्पति, लेकिन इसमें शनि और बुध को नपुंसक भी कह दिया गया, अर्थात ये जिसके साथ होंगे वैसा वैसा व्यवहार करेंगे, और शनि तो पूर्णतः नपुंसकता के लिए कहा गया है, अर्थात इनका अपना कोई लिंग भेद नहीं है, मूलतः लेकिन ये स्त्री ग्रह है, मूलतः लेकिन ये स्त्री ग्रह है, वर्गीकरण करेंगे तो एक अलग बात है। तो चंद्रमा स्त्री ग्रह है, इसीलिए पुरुषों के बारे में विचार करने के लिए ये प्रश्न में आएगा कि कौन मेरी सहायता करेगा। जैसे अभी एक प्रश्न आया था किसी का, 6-3 नहीं 12 और 3, तो उसने अपने किसी खास कार्य के लिए प्रश्न किया था। तो प्रश्न था कि क्या ये मेरा कार्य होगा, और होगा तो कैसे होगा। चतुर्थ भाव क्या बताता है आपके, विशेष औषध्यम,
अचानक से मिलने वाली औषधि। तो चौथे भाव के अंदर मिथुन राशि है, तो उनको परामर्श दिया गया जोड़े के साथ जाइए। आपका कार्य, आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ये कहां से कहां भटक जाते हैं हम भी अचानक से ही। महिला पुरुष, हाँ, प्रश्न के तो इसी में विचार आ रहा था कि चंद्रमा के बारे में क्यों बोला गया। यदि पत्रिका के भीतर चंद्रबली है, प्रश्न पत्रिका में, तो सहायता, चंद्रमा कहीं भी बली हो, पक्ष बली हो, तो सहायता किससे मिलेगी? किसी महिला से मिलेगी, स्त्री से मिलेगी, माँ जैसी किसी स्त्री से मिलेगी। पाप और पुण्य का ज्ञान स्वाभाविक है, मन में ये पता तो है कि हमें जो कर रहे हैं वो सत्य, झूठ है, सच है। तो व्यक्ति की जो नासिका है उसमें जो सीधी नासिका है, राइट नेजल, लेफ्ट नेजल, ठीक है, मून राइट सन, इड़ा पिंगला, तो ये जब व्यक्ति श्वास ले रहा है, इसीलिए कहा जाता है शरीर के भीतर, देह के भीतर चित्रगुप्त के दो जासूस हैं, गुप्तचर हैं, जो व्यक्ति को बता रहे होते हैं आप अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, वो निरंतर उसे संकेत देते हैं। व्यक्ति उसकी सुने ना सुने वो एक अलग बात है। तो क्यों आया ये शब्द? पाप और पुण्य का ज्ञान क्यों? इसके द्वारा इसके मस्तिष्क में ये जा तो रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। इसको पता तो है, बुद्धि है, तो ये भी तो पता है कि मेरे से त्रुटियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो चंद्रमा यदि वैश्य राशियों में है, अर्थात अर्थ तत्व राशियों में, कौन सी होती हैं? 2, 6, 10 अर्थ तत्व राशि है ना। ज्यादा पाप पुण्य के बारे में विश्वास नहीं रखता है, व्यवहारिकता ज्यादा होती है। सीधा सीधा बताइए लाभ क्या है, हानि क्या है। हाँ, जल तत्व में हो सकता है, तो बड़ा विचार भी कर सकते हैं। उसके उपरांत आया निद्रा। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो निद्रा सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, नहीं तो निद्रा सुख प्राप्त होगा। नींद का है, स्लीपिंग ऑर्डर्स का है, सुख सुख क्या है? क्योंकि चौथे भाव का प्रबल कारक है। चंद्रमा क्या है? चौथे भाव का प्रबल कारक, तो चौथा भाव ही सुखों का है, मां का सानिध्य। इसी कारण से चौथा भाव जब सुखों का है, तो चंद्रमा यदि शुभ अवस्था में है तो मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। यदि चंद्रमा पूरी तरीके से परिष्कृत है तो बड़ी स्वाभाविक सी बातचीत है कि निद्रा अच्छी आएगी, और निद्रा अच्छी आएगी तो व्यक्ति को सुख की अनुभूति होगी। जल पदार्थ, सभी प्रकार के जल पदार्थ, जलीय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, दूध, पानी, इनसे लाभ होगा, हानि होगा? जल पदार्थों से क्या मुझे वाटर प्लांट लगा लेना चाहिए? क्या मुझे फिश से रिलेटेड काम करना चाहिए, मछलियों से संबंधित? क्या मुझे जल के काम करने चाहिए या लिक्विड का काम करना चाहिए? सबका सब चंद्रमा बताएगा। रस, रस के दो अर्थ हैं, षड रस, ये पहले भी आ चुका है और चंद्रमा के भीतर भी आता है, क्योंकि आनंदकारी ग्रह है और साथ ही साथ लिक्विड भी है। शीत ज्वर, जो ठंड से चढ़ने वाला बुखार है, जैसे आजकल भारतवर्ष में और विशेषकर उत्तर भारत में शीतलहर चली हुई है, ज्वर व्यक्ति के भीतर सदैव विद्यमान रहता है। जो
ताप है, फीवर है, वो हमेशा ही बना रहता है। अगर ताप ठंडा हो जाएगा तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। इसीलिए 98, 97, 99 ये तो व्यक्ति के भीतर रहेगा ही रहेगा। यदि ये खत्म हो गया तो व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाएगा। इसीलिए लेकिन ये कौन सा ज्वर है, फीवर कौन सा है, ये शीत से चढ़ने वाला। जैसे अभी मैंने बताया उत्तर भारत में बहुत शीत चल रही है, तो इससे भी लोगों को देखिए कभी भी ऋतु जो होती है व्यक्ति के ऊपर जब भी हावी होगी, अधिक ताप होगा तो भी ताप चढ़ सकता है, अधिक शीत होगी तो भी ताप चढ़ सकता है। तो जो शीत के कारण से जो बुखार चढ़ते हैं, यदि चंद्रमा पीड़ित है पत्रिका में, ऐसे व्यक्ति को शीत ज्वर चढ़ सकता है, ठंडा बुखार, कफ एंड कोल्ड। ठीक है, कुआ, कुएं का अर्थ क्या होता है, कुआ इसलिए खुदा खोदा जाता था आदिकाल में जो बहुत सारे लोग उससे पानी भर सके। तो ये सोशल मीडिया भी है, या जो पीआरओ हैं, जनसंपर्क अधिकारी, जन संपर्क अधिकारी, या जो जिनकी पब्लिक डीलिंग है। ठीक है, तो कुएं का अर्थ उससे निकालिए जो जनसंपर्क से जोड़ता है। माँ, इसका सीधा सीधा अर्थ माँ तो माँ ही है। और क्षय रोग, ये ट्यूबरक्लोसिस के रोग देता है जो कुपोषणता के कारण से होता है। अब ये क्यों होता है, चंद्रमा बाल्यकाल का प्रतीक है और मूलतः बाल्यकाल में यदि कुपोषण हो तो टीबी के रोग देह में आ जाते हैं और धीरे धीरे वो बने रहते हैं, फिर बढ़ भी सकते हैं और नियंत्रण में भी रह सकते हैं। इसी कारण से उसे कहा ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा, क्योंकि ये छाती के ऊपर हमारे जो चेस्ट है उस जगह पे शासन करता है, तो इसी कारण से जो हमारे लंग्स हैं और छाती में पड़ने वाले जो असर है उनके बारे में बताता है। तो ट्यूबरक्लोसिस इसी से देखा जाता है, टीबी, क्षय रोग भी बोलते हैं इसे। वैसे इसका एक पौराणिक कथा है, लेकिन उस सब को छोड़ के आज इस पे कटी सूत्र, बेल्ट बांधने का स्थान जो बताया था, जो व्यक्ति बेल्ट बांधता है, ठीक है, उसे कटी सूत्र, सूत्र का अर्थ होता है धागा और बेल्ट। अब ये कहेंगे ऐसे कैसे, इसका अर्थ क्या है, कटी सूत्र का क्या प्रयोग है। पुराने समय में नारी चांदी स्वर्ण आदि की कटी सूत्र डालती थी, तो वो वैभवता का प्रतीक था। तो चंद्रमा यदि बलि है तो कटी सूत्र होंगे, अर्थात चांदी की जो तगड़ी बोलते थे उसको उस समय पे, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसके नाम ले सकते हैं, वो उसमें बताया गया है। बोलते देखे तो आभूषण भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये आभूषण पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि मुख्यतः आभूषण शुक्र के भीतर आते हैं। ठीक है, इसके उपरांत आया शीघ्र गति, फास्ट मूविंग, जैसे कि कहा प्रश्न के भीतर इसका विचार होता है, चंद्रमा की मूवमेंट, चंद्रमा की गति ढाई ढाई दिन के अंदर आगे आगे चल रही होती है और वो व्यक्ति की घटनाओं को बताती है। इसी कारण से दैनिक राशिफल, भविष्यफल कथन, तो जो दैनिक भविष्य कथन है वो चंद्रमा के नक्षत्र गोचर से कहा गया है और राशिफल जो है वो चंद्रमा की राशि के कारण से कहा गया है। दोनों में अंतर है सवा दो दिन तक चंद्रमा एक राशि में विद्यमान होता है और एक दिन तक एक नक्षत्र में। तो दैनिक फल किससे कहा, हमारे चंद्रमा के नक्षत्र भ्रमण से, और
राशिफल कहा गया हमारे चंद्रमा की राशि में भ्रमण करने से। शीघ्र गति, फास्ट मूविंग, कोई भी काम किसी तरीके से करना, ठीक है। उसके बाद है रात्रि बलि, जिसका चंद्रमा बलवान होगा जन्म पत्रिका में, ऐसे व्यक्ति को संध्या काल के समय पे अपने काम पूरे करने का बड़ा रुचि होगी और पूरे भी होते होंगे। चंद्रमा का बल पक्ष से भी निकाला जाता है और चंद्रमा का बल सूर्य से उसके कोणीय स्थिति से भी निकाला जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य से कहाँ विद्यमान है, सामने है, 3-11 है, ठीक है, 9-5 है, उनसे भी निकाला जाता है। मूलतः पक्ष बल ही होता है इसका, लेकिन फिर भी कभी कभी चंद्रमा सूर्य से 3-11 की स्थिति भी चंद्रमा को एक बड़ा विशेष बल प्राप्त करती है, 3-11, 9 और 5-9। रात्रि बलि अर्थात ऐसे लोगों के कार्य संध्या के बाद बलि हो जाएंगे। उसके उपरांत आया नवीन वस्त्र, जो नए नए वस्त्र हैं वो सभी के सभी, या नवीनता, नयापन, वो सभी चंद्रमा से देखना चाहिए। जल और जल से संबंधित पदार्थ सब चंद्रमा से देखे जाएंगे। और स्फटिक नामक रत्न, स्फटिक क्या होता है ऐसा मैंने सुना है, मुझे पूर्णतः इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे होगा कि जब कोई बर्फ जमी हुई होती है और वो लगातार ड्रॉपिंग कर रही होती है, अर्थात कोई बर्फ जमी हुई है आइस, और वो उससे निरंतर कोई बूंद बूंद गिरती है, तो जहां वो गिर रही होती है वहां पे बड़ा ठोसपन आ जाता है, तो कहते हैं कि वो जो पदार्थ बनता है तो उसी से स्फटिक कहते हैं। आगे ये तो जो रसायन वाले लोग हैं या खनिज वाले लोग हैं वही बता सकते हैं। तो ये रत्न जो है ये चंद्रमा के भीतर आता है। निराशा, ये मन और बुद्धि से जुड़ी हुई है, जैसे पहले इसको बताया था। इस प्रकार से हमने चंद्रमा से संबंधित कारक तत्वों के बारे में विचार किया। इसके उपरांत हम करेंगे चतुर्थी तिथि, दी फोर्थ लूनर तिथि। ठीक है, कौन इस पे शासन करते हैं? श्री गणेश जी महाराज। ऐसा देखा गया है जिन लोगों का जन्म चतुर्थी तिथि में होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी पत्रिका के भीतर चौथा भाव जागृत रहता है। कथा प्रसंग क्या है? देवी ने सौंदर्य के लिए उबटन लगाया, फिर उसे उतारा, और उतारने के बाद अपनी रक्षा के लिए उसको जीवित किया, और उसको बैठा दिया अपनी रक्षा के लिए। तो चतुर्थी तिथि में क्या क्या आता है कि जो माँ की रक्षा करने वाले, चौथे भाव की रक्षा करने वाले, और चूंकि देवी ने उपटन से इसको बनाया था, और कहीं इनके मन में हीनता का भाव ना आ जाए तो प्रथम पूजनीय भी बनाया। सबसे ज्यादा इनको पूजनीय भी कहा गया सबसे पहले। शास्त्र क्या कहते हैं? जो चतुर्थी तिथि के भीतर जिनका जन्म हो उनको इसी दिन, बाकी सभी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, तिल और
और उससे जुड़े हुए पदार्थ का तिरस्कार करना चाहिए या दूर रहना चाहिए। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन चतुर्थी क्यों? क्योंकि माँ के उपटन से बने ये, और घर की रक्षा के लिए बने और अपनी रक्षा के लिए बने। तो चतुर्थी तिथि के गुण में क्या देखने को मिला? ऐसे मनुष्य नर नारी अपने परिवार की रक्षा करते हैं, संपत्ति आदि से बहुत जुड़े रहते हैं, प्रथम पूजनीय भी होते हैं घर के भीतर, सबसे पहले इनको मान सम्मान मिलना चाहिए, अध्ययनशील होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन रिक्तता का भी प्रतीक है, अर्थात मन में खालीपन भी बना रहता है कि जब तक मेरी आवश्यकता थी, जब तक मेरा पूजन किया गया और जैसे ही मेरे से काम निकल गया तो मेरे को एक तरफ तिरस्कृत कर दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसी कारण से मन में कभी कभी रिक्तता का भी भाव देखा गया इनके साथ में। चतुर्थी तिथि रिक्त तिथि है इस कारण से। इसके उपरांत करेंगे चतुर्थांश D4, वर्ग कुंडली D4। वर्ग कुंडली D4 क्या कहलाती है या उससे क्या अर्थ निकालने चाहिए? किसी भी कुंडली के भीतर चैट बॉक्स में मेरे को बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। किसी भी कुंडली के भीतर जो चौथा स्थान है उसका सूक्ष्म, चैट बॉक्स में डाल दीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है प्लीज। ठीक है जी, जो उसका सूक्ष्म गहन अध्ययन है वो D4 के द्वारा देखा जाता है, अर्थात हर कुंडली के लिए एक वर्ग कुंडली है। तो ये हमने लग्न कुंडली बना ली बड़ी, और ये उसकी D4 डिविजनल चार्ट वर्ग कुंडली चतुर्थांश, चौथा चतुर्थ अंश। ठीक है, तो 30 अंशों का जब हम विभाजन करेंगे, क्योंकि लग्न में उदित राशि कितने की 30 की, तो जब उसका विभाजन करेंगे तो अंश कितने आएंगे? 7 अंश 30 कला और 15 विकला आदि, लगभग लगभग। ठीक है, वो गणितीय विषय है। और जब कोई भी वर्ग कुंडली बनती है चतुर्थांश की, तो पहला चतुर्थांश स्वयं से ही बनेगा, अर्थात यदि मेष लगन की कुंडली है और वो 7 अंश 29 कला तक है, 60 डिग्री 29 मिनट तक है, तो उसका D4 भी मेष ही बनेगा। और यदि वो इससे ऊपर की है 7 32 मतलब इससे ऊपर चली जाती है, तो उससे चौथी वर्ग कुंडली बनेगी। गणितीय विषय है, आपको वैसे पता लग जाएगा। अर्थात मेष लग्न है तो D4 का लग्न होगा कर्क, इसमें मेष ही होगा, और
यदि वो उससे ऊपर है, जैसे साथ साथ जोड़ते चले जाएंगे, तो फिर आपका लग्न होगा तुला और अंतिम लग्न होगा मकर। 10 ऐसे करके चार कुंडलियां बनेंगी। तो यदि वृषभ लग्न है तो वृषभ से कौन सा हो जाएगा, पहला होगा सिंह, और यदि उसमें दूसरे अंशों पे है तो हो जाएगा वृश्चिक, और तीसरे में इस प्रकार से क्षमा करें, पहला हो जाएगा वृषभ, दूसरा हो जाएगा सिंह और तीसरा हो जाएगा वृश्चिक। तो 1 4 7 10 अर्थात केंद्र में ही पढ़ेंगे, अपने से पहला एक स्वयं का, दूसरा उससे चौथा, तीसरा उससे सातवां, और फिर उसके बाद दसवां। ये गणितीय विषय है, लेकिन इससे अर्थ क्या निकलता है वो महत्वपूर्ण है। ये तो गणितीय विषय है कि ऐसे बनती है, अर्थ क्या निकलता है, यदि पहला डी फोर पहले में जा रहा है तो ये कौन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ये। ठीक है, तो पहला है सनक, दूसरा है डी फोर का सनाद, तीसरा है डी फोर का तीसरा सनत, और चौथा है डी फोर का मेरे को चैट बॉक्स में बताना रोमन गिनती ठीक लिखी है ना मैंने, ये डी फोर के लिए मतलब ये जो लिखा है वो है सनातन। अर्थ क्या है, जुनून, संपत्ति चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़े लेकिन लेनी ही लेनी है। धन्यवाद। दूसरा है सानद, प्रसन्नता, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, और संपत्ति से जो है प्रसन्नता भी बनी रहती है। इसका अर्थ है अनंत सुख, जब तक है जब तक ठीक, नहीं मिली तो कोई समस्या नहीं। और ये है स्थाई, ऐसा शास्त्र कह रहा है। और इसका वर्गीकरण करें, पहले में आता है परिश्रम करना पड़ेगा संपत्ति प्राप्त करने के लिए, दूसरे में आता है जनसंपर्क से, और पहले से ही मिल जाता है इसीलिए प्रसन्नता बनी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम किया नहीं, पहले से ही बन गया इसीलिए प्रसन्नता बनी हुई है। तीसरे में आता है कि जो मिल गया वो अच्छा है, तो जो मिल गया वो अच्छा,
और जो ना मिला उसका कोई मन में रोष भी नहीं है, और ये जो मिल गया इसे भोगता ही रहेगा। एक बार पूर्वालोकन कर लेते हैं सारे के सारे का। मन, बुद्धि, चेहरे के ऊपर आने वाली प्रसन्नता, पुष्प, किले के भीतर प्रवेश करना, आलस्य, कृष्ण पक्ष के कारण से कफ, शरीर में बढ़ने वाला, वाटर रिटेन, पानी बढ़ जाना, मानसिक व्याधि, क्योंकि चंद्रमा मन को देने वाला ग्रह है, मन के ऊपर प्रभाव रखना है, मनोभाव एवं महिला और स्त्री, पाप और पुण्य का ज्ञान, क्योंकि बताया था कि शरीर के भीतर दो नाड़ियां हैं, वो निरंतर बता रही है क्या अच्छा है क्या बुरा है, निद्रा, नींद और नींद का सुख, और जल और जल से संबंधित कार्य, लिक्विड एंड लिक्विड रिलेटेड आइटम्स, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि भी आते हैं, दूध भी आता है, मक्खन, दही, ये सभी इसी के भीतर आता है। रस, रस का अर्थ है 6 प्रकार के रस और साथ ही साथ लिक्विड, ठीक है। शीत जर, जो ठंड के कारण से बुखार लग जाता है, फीवर हो जाता है, ताप चढ़ जाता है, वो है। कुआं आदि जन यानी जनसंपर्क, पीआरओ, पब्लिक रिलेशंस, सामाजिक संपर्क, माँ अर्थात चंद्रमा बढ़िया है, चंद्रमा जन्म पत्रिका के भीतर उन्नत है, तो माँ का सानिध्य बना रहेगा। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस आदि जो कुपोषण के कारण से आते हैं, कटी सूत्र बेल्ट अर्थात वैभवता का प्रतीक है, और महिलाओं के लिए एक प्रकार का सौंदर्य आभूषण भी है, शीघ्र गति, फास्ट मूविंग है, हर काम के भीतर जल्दी काम को बदलने वाला और परिणाम लेके आने वाला है। रात्रि बलि, चंद्रमा यदि बलवान है तो व्यक्ति के कार्य रात में अधिक लाभान्वित होते हैं, और ऐसा व्यक्ति रात में ही कार्यों को करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। इसके उपरांत आया जल और जल से संबंधित पदार्थ और स्फटिक नामक रत्न, और साथ ही निराशा, निराशा के कारण बताए थे कि क्यों हो सकते हैं। मैं समाज को, दुनिया को किस दृष्टिकोण से देखता हूं, वो मेरी चंद्र राशि है, और समाज और दुनिया, संसार मुझे किस प्रकार से देखती है, वो मेरा लग्न है। तो व्यक्ति का दृष्टिकोण भी एक प्रकार से चंद्रमा बताता है, चंद्र राशि और इनसे इसके बारे में बताया गया। इसके उपरांत बताया अवसाद और उन्माद अर्थात डिप्रेशन, एंजाइटी, तो उसके पीछे कारण बताया गया कि चंद्रमा पे पड़ने वाले एडवर्स इफेक्ट, विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव चंद्रमा पे मंगल और शनि की, दोनों की इकट्ठी दृष्टि हो तो ये अक्सर देखा गया है। चंद्रमा ठीक सूर्य के सामने हो तो ऐसे व्यक्ति को उन्माद बना रहता है, और चंद्रमा ठीक चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो कई बार अवसाद से संबंधित समस्याएं आती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि चंद्रमा जब जब भी पत्रिका के अंदर कुछ एडवर्स अर्थात प्रतिकूल प्रभाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति समाज में, दुनिया में कुछ विपरीत कर देते हैं, कभी कभी उनका नाम भी हो सकता है अच्छे रूप में और कभी कभी खराब रूप में भी। इसके उपरांत बताया था कि बृहस्पति के कारण से वसा आता है बॉडी में, जो शरीर में, देह में जो ठोस है वो है, और चंद्रमा के कारण से बॉडी में पानी भरता है। साथ ही साथ बताया चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और उसमें सम्मिलित किए गए शुक्र भी, बुध भी, शनि भी, लेकिन शनि और बुध नपुंसकता का भी प्रतीक है, अर्थात जिनका कोई अपना बहुत वो नहीं है, मूलतः शनि नपुंसकता के बारे में ज्यादा है, और पुरुष ग्रह सूर्य, चंद्र, बृहस्पति है। ये क्यों कहा गया, क्योंकि यदि प्रश्न पत्रिका में चंद्र बलि है तो किसी स्त्री के कारण से, महिला के कारण से सहायता प्राप्त हो सकती है, मातुल्य महिला जैसी व्यक्ति के कारण से। एक छोटा सा चित्र बना के साझा किया था कि मनुष्य की दो नासिकाएं जो हैं, नेजल पॉइंट्स हैं, वो उसके संकेत को प्रतिदिन बताती हैं कि मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, और
उसका प्रभाव मन पे पड़ता है, और व्यक्ति का जो मन है अर्थात मस्तिष्क है वो व्यक्ति की कार्यशैली को उसी प्रकार से आगे लेके चलता है। ट्यूबरक्लोसिस कुपोषण के कारण से बताया, चंद्रमा का चांदी भी बताया और चंद्रमा की गति के बारे में भी संकेत दिया। इसके उपरांत हमने चतुर्थी तिथि के बारे में बताया जो भगवान श्री गणेश के द्वारा शासित हैं। देवी ने उबटन लगाया, उबटन लगाने के बाद अपना उबटन उतार के, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, अपनी रक्षा के लिए उसका एक प्रतीक, उसका एक मूर्ति बना के प्राण डाल के उसको द्वारपाल के रूप में सुशोभित किया और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। तो चतुर्थी तिथि वाले लोग अपने माता पिता की रक्षा करने वाले होते हैं, साथ ही प्रथम पूजनीय भी होते हैं, एवं रिक्त तिथि होने के कारण से मन में कभी कभी रिक्तता का भाव भी आता है कि सबसे पहले मुझे बुला लिया गया, मेरे से सब कुछ करा दिया गया, मेरे को मान सम्मान दिया, उसके बाद मेरे को पूछा नहीं गया। चतुर्थी तिथि में जो उत्पन्न लोग होते हैं उन्हें विशेषकर चतुर्थी तिथि के दिन, यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में तो शुक्ल पक्ष चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में तिल के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी दिन सभी वो कर सकते हैं। इसके उपरांत हमने पढ़ा चौथे भाव की वर्ग कुंडली चतुर्थांश, अर्थात एक कुंडली के चार जब अंश बनाए जाते हैं एक राशि के, तो उसके अनुसार है, जिसमें 7 डिग्री उसका अंशात्मक दूरी बताई थी। पहला स्वयं का होता है, दूसरा उससे चौथा होता है, तीसरा उससे सातवां और चौथा उससे दसवां होता है। पहले में मन के अंदर एक बड़ा ही प्रबल जुनून है, एक बहुत ही बड़ा आकर्षण है कि मुझे प्राप्त करना ही करना है। तो जिसकी पत्रिका में चतुर्थांश कुंडली अर्थात जिसकी भी लग्न 0 अंश से लेके 7 अंश 29 कला के भीतर भीतर है, ऐसे व्यक्ति को तो संपत्ति की बड़ी चाहत बनी रहेगी। ये बड़ा सीधा सा अर्थ हुआ इसका। इसकी राशियों के अनुसार इसकी भिन्नता आ सकती है कि चतुर्थांश में कौन सी राशि उदित हो रही है, लेकिन इतना समझिए कि यदि पहली चतुर्थांश में तो संपत्ति की चाहत बहुत बनी रहती है, और उस कारण से भी है कि हो सकता है जीवन में कुछ कम प्राप्त हुआ इसीलिए चाहिए। दूसरे में वो है कि मिल गया तो प्रसन्न है क्योंकि पीछे से भी बहुत मिल गया, अर्थात लग्न यदि 60 डिग्री 31 मिनट का है और अगले 7 मिनट तक में है तो जो मिल गया उससे प्रसन्न है, चिंता की कोई बात नहीं है। और उसके उपरांत सनत, ये ऐसा व्यक्ति पूरे आनंद से बैठा हुआ है कि कोई वो नहीं है, और अंत में आता है कि इसकी संपत्ति तो बनी रहेगी, जो मिला है उसे भोगता है, जो मिल गया उसको। और ये सबसे ज्यादा पहला जो है अर्थात यदि देखा जाए तो लग्न यदि पहले खंड में है तो ये एक प्रकार से व्यक्ति की संपत्ति के प्रति जो उसकी आकर्षण है उसके बारे में बताता है। तो इस कक्षा में इतना ही।